ओम साई राम, नमस्कार। दिस इज साई पूजा, साई पूजा चैनल से आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। मैं इस वक्त बैठी हूँ बाबा की नगरी शिरडी में और चावड़ी के पास। आज एक साई भक्त से मिल रही हूँ जो कि इस वक्त शिरडी आई हैं। बाबा की असीम कृपा है उनके ऊपर। ओम साई राम जी। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? विनिका अग्रवाल। विनिका अग्रवाल, हाँ जी। विनिका, इस वक्त आप शिरडी में बैठे हो? बिल्कुल। कितने वर्ष हो गए बाबा से जुड़े हुए? बाबा से जुड़े हुए मुझे कम से कम 15-16 साल 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल में बाबा ने आपके साथ क्या क्या अनुभूति, क्या क्या लीलाएं की? बहुत लीला करी है बाबा ने मेरे साथ। एक एक करके आप बताएं। एक एक करके बताऊं कि मेरी लव मैरिज हुई है, मेरी शादी मतलब घर वाले एग्री नहीं थे, बट बाबा, मैंने साईं चालीसा पढ़ी और मैंने कही बाबा जो मुझे आता है पूजा में मैं वो करूँगी, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी। बोले ठीक है, मैंने वही करा और मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर गए सब चीज़। ठीक है, ये तो मेरी शादी हो गई। हाँ जी। दूसरा मिरेकल ये हुआ कि मेरे 4 साल बाद बेटी हुई है। अच्छा। और वो बेटी भी बाबा की कृपा से हुई। मुझे PCOD हो गई थी। PCOD में डॉक्टर ने मना कर दी थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती अभी 1 साल के लिए। टैबलेट चलेंगी, दवाइयाँ चलेंगी। मैंने फिर 2009 में आई मैं यहाँ पे श्रेणी और मैंने बाबा के दर्शन करे 9 नवंबर को। मैं 12 नवंबर को वापस गई और फिर उसके बाद मैंने जनवरी में मुझे पता चला मैं कंसीव कर चुकी हूँ। क्या बात है। कितने साल की बेटी हो गई? मेरी बेटी 12 साल की हो गई है। 12 साल की हो गई है। अच्छा। और बहुत प्यारी सी बेटी है, मैं देख रही हूँ उसको। और उसके बाद आपके साथ और क्या लीलाएं हुई? लीला, जब मेरी बेटी कंसीव हुई थी तो मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं हैदराबाद रहती थी, हैदराबाद से मैं गाजियाबाद जब गई थी तो मैंने एक MC की टैबलेट होती है वो खा ली थी। वो खा ली, जब खाई थी तो मुझे लूज मोशन हो गई, वो गोलियाँ निकल गई। और जब मैं वहाँ पहुँची गाजियाबाद जाकर मैंने टेस्टिंग कराई तो पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओहो, बाबा ने इतनी रक्षा करी। अच्छा। उस बीच में मैंने छुआरे भी खाए, ड्राई फ्रूट्स खा के गई। जो सफ़र 30 घंटे का था वो 48 घंटे का कवर करा था मैंने। ओहो, आपको पता नहीं था कि आपने कंसीव कर लिया? नहीं। अच्छा। जब डॉक्टर ने चेक करा तो डॉक्टर खुश हुए, बोले आप किस भगवान को मानते हो कि मुझे विनिका यकीन नहीं हो रहा कि PCOD प्लस प्रेगनेंसी और इतनी जल्दी। कह रही आई कॉन्ट बिलीव इट। मैंने कही नहीं, मुझे अपने बाबा पे विश्वास है, मेरे बाबा हैं जो कुछ है। अच्छा। और क्या लीला है? और लीला ये है कि मेरा 1.25 साल का बेटा था, उसने गलती से घुटन बंद चलता था। अच्छा, घुटनों से। हाँ, तो उसने दीमक की दवाई चाट ली थी। कैसे मतलब? वो चौकट में गिरी हुई थी। अच्छा अच्छा। बच्चे चूना वूना खाते ही मिट्टी खाते तो वो मिट्टी निकली हुई थी, तो उसने उसी चाट ली और जब भी उसी दिन दवाई डाली हमने। ओहो। तो इसके लम्स में इन्फेक्शन हो गया था तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। जब इसे खड़ा कर रहे थे तो ये खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसे लूज मोशन, बहुत तबीयत खराब हो गई। पता नहीं चला था कि तुमने दीमक की दवाई खा ली? नहीं, घर वालों, मैं जरा बाहर गई थी कुछ सामान लेने और घर पे नंद थी तो उन्होंने पकड़ा था तो कह रहे भाभी ये समझ नहीं आया बच्चा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट फिर डॉक्टर के यहाँ ले गए तो डॉक्टर ने बोला 99% नहीं है बेटा। अच्छा। 1% बच सकता है। तो मैंने कि जिसने दिया वो कवर करेगा, मैं रोऊंगी नहीं। आज मैंने परीक्षा, मेरी परीक्षा ले रहे हो तो तुम्हें ही इंसाफ देना है बाबा। मैं उन्हीं के आगे बैठी, मेरी लाश तुम्हें को रखनी है, लाश तुम्हें रखनी है। मैं बाबा के आगे बैठी, फिर डॉक्टरों ने जब मुझे कॉल आई थी कि बच्चा 1% है सांस, बस लास्ट स्टेज थी उसकी। मैंने कि ठीक है, देने वाला वो, बचाने वाला वो। मैंने कि मैं कुछ नहीं सोचूंगी। मैंने कहा अगर बाबा आज मेरे बच्चा नहीं बचा मैं कभी चौकट नहीं चढ़ूंगी, पर मेरे बाबा ने लाज इतनी बचाई कि मेरा बच्चा बचा लिया। क्या बात है, मेरे सामने बैठा हुआ है। हाँ, सर्वोदय हॉस्पिटल में रहा था ये एक दिन, फिर रात के 12 बजे ट्रांसफर करा था इसे सर गंगाराम में। अभी कितने वर्ष का है? अभी ये 11 साल का है। अरे वाह, क्या बात है। और वहाँ से इतना चेंज होके आया कि 1 साल तो ये चुप, एक स्टैचू होता ना, कोई कहीं आ रहा जा रहा नहीं बोलता था, और वहाँ से जब चेंज हो गया, इसे ब्लड चढ़ा वहाँ पे, ये इतना एक्टिव हो गया कि इसने सारे हॉस्पिटल को खिला डाला, सारी नर्सों को। क्या बात, डॉक्टर भी इससे खुश, नर्स भी खुश, सब खिलाते थे इसे, कहते आपका बेटा बहुत एक्टिव है। और मैं परेशान होती थी ये एक्टिव कब से हो गया, खून किसका चढ़ा है। मतलब बाबा ने असर उल्टा कर दिया इसको, जैसे कि साई सच्चरित में किसी ने, किसी साई भक्त को सांप ने काट लिया था। हाँ। बाबा ने कहा
उतर उतर हाँ, वो साई हाँ, साई जहर उतर गया हाँ, बाबा ऐसे उपचार करते थे, तो जैसे एक तरीके का जहर उसके शरीर में पहुंच गया, बाबा ने उसको ठीक कर दिया। हाँ, सही कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और बाबा ने आपके जीवन में क्या क्या बदलाव? मेरे जीवन में बहुत बदलाव करे हैं बाबा ने, मुझे शक्ति दी है। मैं पहले डरती थी लोगों से, पर अब मैं बोलने की हिम्मत रखती हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। अभी क्या कर रही हैं आप? मेरा पार्लर है, पहले मेरा पटेल नगर थर्ड में था पार्लर, काफी अच्छे बड़े पैमाने पे। क्या नाम है? क्या नाम से? श्री जी ब्यूटी पार्लर के नाम से। श्री जी। अब मैंने वो ट्रांसफर कर दिया है वेव सिटी में, सेक्टर 2 में। हाँ जी, सेक्टर 2 में। तो जो कहाँ पर? गाजियाबाद। हाँ जी, गाजियाबाद में जितने लोग हैं सेक्टर 2 में, आप क्या नाम है आपका? विनिका अग्रवाल। विनिका अग्रवाल, विनिका अग्रवाल के यहाँ पर आप जाए और अपने अपना जो भी आपका जो है पार्लर में खूबसूरत बन के वापस आए। खुद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और आपकी खूबसूरती का राज भी बाबा का प्यार है। इस वक्त आप शिरडी में बैठे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी किसी भी भगवान को पूजो, तह दिल से विश्वास से पूजो, जिसमें कहते हैं ना विश्वास में ही आस है। बिल्कुल, बाबा का बाबा के लिए जो प्रेम है वो कितना है आपके दिल में? बहुत है। अब तो मैंने उनके नाम पे छोड़ दिया सब कुछ, मेरे अंदर सब उनके हाथ में है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, मैं अब कुछ नहीं सोचती, सिर्फ बाबा का नाम सोचती हूँ। तेरे जाने के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हेरी होरी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। मुझे गाना नहीं आता। अच्छा फिलहाल इनके प्यार के लिए जो मैंने डेडिकेट किया आपके लिए, आप बाबा इस वक्त बाबा हमारे साथ हैं। नहीं, जिनको भी से मैंने सब कुछ बाबा के नाम कर दिया अपना, तो बस ऐसे ही एक्सपीरियंस, सिर्फ मैं बाबा 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 जपती हूँ। क्या बात है, बाबा ऐसे ही कृपा करें आपके दोनों बच्चों पर, सब बरसाते हैं मेरे ऊपर, ऐसे ही बरसाएंगे भी। और विनिका, विनिका अभी नाम याद हो गया, तो विनिका जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपका जीवन संपन्न करें, खुशहाल करें, आपके जीवन में दोनों बच्चे उन्नति करें, आप बहुत प्रोग्रेस करें। चावड़ी में बाबा आपको बैठी हैं, बाबा सुन रहे हैं आपका गुणगान जो आप बाबा के बारे में बोल रही हैं। ऐसे ही गुणगान जिनके पास भी है 9918073846 पर बताएं। और अगर एक्सपीरियंस अच्छा लगा है, बाबा ने किस तरह उस बच्चे की जान बचाई, किस तरह इनको जो है आज इनके घर में कंसीव कराया, जो कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं हो सकता, पीसीओडी हाँ ये था, तो आज दोनों बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हालांकि कैमरे में नहीं आ सकते हो अभी की। चलो मैं आपको 15 दिन पहले की बात बताती हूँ। मेरी आँख में अभी है ना एक छोटी सी गांठ हो गई पर्दे में। अच्छा, रेटिना में। और मैं भी डॉक्टर के यहाँ गई थी दिखाने, तो मुझे नहीं पता था पहले से कि मेरी आंख में गांठ हो गई है। ओहो। और मैंने दिखाया था, मुझे बहुत टेंशन हुई, फिर मैंने दिक्कत आई होगी तब पता चला होगा, मुझे उससे दिखना बंद हो गया। ओह माय गॉड, राइट आइज में दिखना बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल दिखना बंद, ब्लैंक हो गया पूरा, मुझे सामने का नहीं दिख रहा था। आपके जीवन का मुझे लगता है सबसे बड़ा मिरेकल तो आप बता रहे हो। आप मेरे पूरा 15 दिन पहले ही एक्सपीरियंस, मैं कह रही हूं 15 दिन पहले की बात है। भूल गए थे आप बताना। अच्छा बताओ, अब याद आई। अभी 15 दिन पहले मैंने बाबा के पास बैठी, मैंने बाबा अगर मैं अंधी हो गई तो कल को क्या होगा मेरे साथ, जो तो मैं करना कर लीजिए, अगर आपको मैं अंधी भी अच्छी लगूँ तो वो भी कर लीजिए। मेरे बाबा ने यही करा कि एक इंजेक्शन लगा, उससे मेरी गांठ बिल्कुल ख़त्म हो गई, जबकि लोगों के 4-4 इंजेक्शन लगे, 5-5, उनकी गांठें नहीं घुली, मेरी एक इंजेक्शन में गांठ घुल गई। और मेरा इसका नंबर राइट आइज का 7 या 8 जा रहा था आई सेड वीक में। अब डॉक्टर मुझे देख के चौंक गए कि 15 दिन के अंदर मेरा 4 नंबर आया है। बोले इतना कम होने के बावजूद तुम्हारा इतना जल्दी इम्प्रूव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है विनिका। और मुझे सारे स्टाफ जान गया। मुझे लगता है कि आपके एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे हैं, मगर ये एक्सपीरियंस जो एक इंसान के आँखें जा रही हैं, एक इंसान को दिखाई नहीं दे रहा और उसकी आँखें वापस आना, मुझे लगता है ये अनमोल है, पूरे शरीर में ये अनमोल रतन है। तो आपको वो बाबा ने आपको रोशनी दी है। मैंने यही कहा था बस बाबा की मेरी आंखों की रोशनी आ जाए, मैं तुरंत आऊंगी। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आप बता रही है, जब मैं एंड कर रही हूँ तब इन्होंने एक्सपीरियंस बताया है भाई। तो ये भी जाते जाते इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, खुलासा
कि विनिका जी बस आप पर बाबा ऐसी कृपा करें, ज्यादा से ज्यादा बाबा के गुणगान को शेयर करें ताकि हर घर साईं घर घर साईं, बाबा का महिमा का गुणगान और हर एक साई भक्त के पीछे अनेकों लीलाएं। हर एक साई भक्त को लगता है कि बाबा ने मुझे चुना, मैं बहुत स्पेशल हूँ, वो रियलाइज करवाते हैं। कैसे करते हैं बाबा पता नहीं चलता, पर बाबा की लीला ऐसे ही है अपरंपार। तो बोले श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई।